दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होता है दोस्तों, जो कि ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो जाके साइबर कैफे जाते हैं और वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा मनी आप दे के आते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस सबसे छुटकारा मिल सकता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा साइबर कैफे जाने से। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं यहाँ पे मोबाइल पे मैं अपने लाया हूँ और यहाँ पे ये क्रोम का एप्लीकेशन है और यहाँ भी क्रोम का एप्लीकेशन है। तो क्रोम पे जाके मैं ओपन करूँगा वेबसाइट जो डायरेक्ट आप वेबसाइट से कनेक्ट होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए ये क्रोम को ओपन किया, गूगल क्रोम, और यहाँ पे सर्च किया सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। यहाँ पे देखिए सर्च करने का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, देखिए मैं पहले भी सर्च कर चुका हूँ, ये डायरेक्ट आ गया। तो इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटरफेस आ गया पूरा सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड है, जैसे यहाँ पे रिजल्ट हो गया और एडमिट कार्ड हो गया, लेटेस्ट जॉब का हो गया, नीचे आंसर की, सिलेबस और एडमिशन। तो यहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट जॉब आएगा या फिर एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट जो भी आएगा, आप यहाँ से आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है प्लस आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपके लिए ये सब वीडियो लाया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग कैटेगरीज है। तो यहाँ पे और इसको नीचे भी देखते हैं, ये लेटेस्ट जॉब में देखिए क्या क्या सब दिया है यहाँ पे। उसके बाद एडमिट कार्ड पे यहाँ पे दिया है, आपको जो भी एडमिट कार्ड निकालना है यहाँ पे आ जाता है, और रिजल्ट पे यहाँ पे जो दिया है इधर साइड और नीचे भी। तो चलिए मैं आपको नीचे स्लाइड करता हूँ, नीचे भी यहाँ पे दिया है आंसर की, दिया है सिलेबस, एडमिशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया है, ये एडमिशन और ये सब दिया है अलग 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 कैटेगरी वाइज डिवाइड हुआ है, इसमें इंटरफेस बना हुआ है। तो आप यहाँ से आसानी से हर एक चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़ को आप यहाँ से पा सकते हैं। तो चलिए मैं एक आपको रिजल्ट डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि कैसे आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो और आप कैसे हर एक चीज़ को कर सकते हैं मैनेज और आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आगे वीडियो और लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आगे वीडियो और चाहिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए बेसिकली, तो मैं आज केवल एडमिट कार्ड और ये सब डाउनलोड करना आप सिखाएंगे कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज यहाँ पे एक रिजल्ट डाउनलोड करता हूँ जो BHU का है। सॉरी दोस्तों, BHU UAT का है। तो यहाँ पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आजकल यही आपका रिजल्ट ऑनलाइन करा रही है। तो यहाँ पे क्लिक किया और ये वेबसाइट खुल गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करते हुए आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड रिजल्ट का एक आइकन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डाउनलोड रिजल्ट, क्लिक हियर। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है BHU का वो आपको मिल जाएगा। अलग अलग जब भी रिजल्ट आता है जो भी डिपार्टमेंट का, तो मैं आपको आज यहाँ का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो इसको देखिए ओपन करते हैं, नेट थोड़ा स्लो है फिर भी, हाँ देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सब मांग रहा है। तो आप अगर पहले से आपको पता है सब हर एक चीज़ तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ एक रिजल्ट कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं रिजल्ट
विदाउट साइबर कैफे जाए, तो मैं इसे अनहाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हुआ, इसको मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए आपका ओपन होने जा रहा है, और यहाँ से देखिए आपको रिजल्ट मिल गया। तो आप ऐसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आपको रिजल्ट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का धन्यवाद, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं जो PDF के फॉर्म में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट देख रहे हैं ना, हाँ यहाँ से आप आसानी से सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो आपको मैं एक डाउनलोड करके दिखा दिया, ऐसे ही दोस्तों आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखते हैं बहुत मेरे दोस्त हैं कि वो जाके ऑनलाइन वो साइबर कैफ़े जाके लाइन लगाते हैं कि भाई मेरा ऑनलाइन कर दीजिए, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, मेरा रिजल्ट डाउनलोड करना है। तो इन सबसे आप छुटकारा मिल सकता है, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, आपका वहाँ पे समय वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, आप वहाँ पे मत जाइए। चलिए मैं एक और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं CCC का जो है, यहाँ पे मैं CCC का फॉर्म आपको दिखाता हूँ कैसे इसका इंटरफेस रहता है और कैसे क्या क्या वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। तो मैं इसके ओपन करता हूँ, तो ये साइट ओपन हो रही है, ये नेट यहाँ पे देखिए NIELTS, ये यहाँ का मेन वेबसाइट है ये यहाँ। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आपकी एज लिमिट, आपको कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, जनरल OBC SC हर एक कैटेगरी का अलग अलग आपको दिया रहता है। और यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप आपको फिलअप करने के लिए भी लिखा रहता है कि आपको कैसे टाइप, कैसे स्टेप बाई स्टेप आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस आपको ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इसमें हर एक चीज़ वो लिखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए मेन साइट आप खुल गई है, तो यहाँ से आपको देखिए आवेदक का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन और आपका डिसेबिलिटी, और ये सब आपको फिलअप कर सकते हैं आसानी से। एड्रेस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं, ये भी आपको यहाँ पे देखिए दिया है एग्ज़ाम है। फिर आधार कार्ड, फिर फ़ोटो आपको अपलोड करने के लिए मांगेगा, फिर सिग्नेचर है, उसके बाद थंब अपलोड करने के लिए मांगता है, अंगूठे का निशान, थंब इम्प्रेशन। तो ये सब ऐसे आप आसानी से भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट करिए, और आगे किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।